नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन हर एक साल विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन होता है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई। बड़े बुजुर्गों, वयस्क, युवा, पुरुष, महिलाएं से लेकर बच्चे तक पीएम मोदी के फैन लिस्ट में शामिल है। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि अपने राज्य बिहार में एक ऐसा गाँव है जहाँ बाकायदा मंदिर बनाकर और प्रधानमंत्री की मूर्ति को स्थापित कर उनकी पूजा पाठ की जाती है, तो आप इन चहेतों के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। खबर पक्की है, बिहार के कटिहार जिले में एक ऐसा गांव बसा है जहां पिछले 4-5 सालों से ग्रामीण मोदी जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। इस गांव में करीब सभी घरों में प्रधानमंत्री के चाहने वाले हैं और खास करके पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। लोग 17 सितंबर वाले दिन अपने प्रधानमंत्री की खास पूजा करते हैं। बताते चले कि यह गांव कटिहार जिले में बसा है। आजमनगर प्रखंड के इस गांव का नाम आनंदपुर है और आनंदपुर गांव के लोग आनंद के साथ अपने गांव में हुए विकास की चर्चा करते हैं। IANS मीडिया में छपी खबर के मुताबिक यहां के ग्रामीणों का दावा है कि मोदी के पीएम बनने के बाद से ही इस गाँव का उद्धार हुआ है, इसलिए यहाँ के ग्रामीण मोदी जी को विकास पुरुष मानते हैं और इसी रूप में उन्हें विकास का देवता मानते हुए पूजते हैं। गांव के बघौर पंचायत के मुखिया ललन विश्वास एक मीडिया ग्रुप से बात करते हुए बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण गांव के लोगों ने ही चंदा इकट्ठा करके कराया है। आगे उन्होंने कहा कि 4-5 सालों पहले इस गांव में एक यज्ञ का आयोजन हुआ था जिसमें गाँव वासियों ने मिलकर यह मंदिर बनाने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, गांव में जिस जगह यह मंदिर बना है उस जगह का नाम मोदी चौक रख दिया गया है। 17 सितंबर का दिन आनंदपुर गांव वासियों के लिए उत्सव जश्न मनाने का दिन होता है। इस दिन मंदिरों को फूल, बिजली के रंग बिरंगे झालर आदि से सजाया जाता है। साथ ही मंदिर परिसर के साथ साथ गांव भर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की जाती है। गांव के बच्चे, पुरुष और महिलाएं इस दिन मंदिरों में पहुंचते हैं। यहां सामूहिक रूप से केक भी काटे जाते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर की देखरेख करने वाले सुनील राय बताते हैं कि ग्रामीणों के सहयोग से ही धीरे धीरे प्रधानमंत्री के मंदिर को भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस पर विचार करने के लिए पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद आम सभा बुलाई जाएगी। अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बिहार के इस गांव के लोगों में इतनी दीवानगी क्यों है। आपको बताते चले कि गांव वाले सबसे सरल जवाब यह देते हैं कि इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है। ग्रामीण कहते हैं कि राजनीति से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि सीमांचल क्षेत्र का यह गांव विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ करता था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से यहां पक्की सड़क, बिजली, पानी, राशन आदि मूलभूत सुविधाएं पहुंची है जिससे इस गांव का काफी विकास हुआ है। वहीं यहां के किसानों का कहना है कि उन्हें भी सरकार की तरफ से 6-6 हजार रुपए भी मिले हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि आनंदपुर गांव को पीएम गोद के तौर पर ले। वहीं गांव का विकास होने से ग्रामीणों की आस्था इतनी बढ़ गई है कि वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार इस गांव में जरूर पधारे। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन 17 सितंबर के दिन देश विदेश से लाखों लाख शुभकामनाएं मिलते हैं, लेकिन बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर में बसे गांव आनंदपुर की बात निराली है कि विकास योजनाओं के लागू होने से खुश यहां के लोग प्रधानमंत्री के भक्त बन गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।